नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका वेस्टेक यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 अपकमिंग ट्रैक्टर्स, यानी 5 ऐसे ट्रैक्टर्स जो इंडिया में जल्द ही लॉन्च होने वाले हैं और जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री में तहलका मचा देंगे। जी हाँ, अगर आप भी अगले साल ट्रैक्टर लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो के जरिए आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनियां नया मॉडल लाने की सोच रहे हैं। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए वेस्टेक चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल पर क्लिक कीजिए सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे आइशर 776 ट्रैक्टर की। जी हाँ, आइशर में अब तक 50 हॉर्स पावर की श्रेणी तक ही ट्रैक्टर्स उपलब्ध थे, लेकिन आइशर 776 जो आता है 75 हॉर्स पावर की श्रेणी में, वो जल्द ही लॉन्च होने वाला है। इसमें आपको गजब की स्टाइलिंग, पूरा डिजाइन काफी बेहतरीन है। काफी अलग डिजाइन आइशर की तरफ से इस ट्रैक्टर द्वारा किसान भाइयों के लिए ऑफर किया जाएगा। आइशर के काफी सारे मॉडल्स एयर कूल्ड इंजन तकनीक के साथ आते थे, लेकिन इसमें आपको वाटर कूल्ड 3 सिलेंडर इंजन मिलेगा 75 हॉर्स पावर का। 3300 सीसी का ये इंजन है टर्बो चार्जर के साथ। इसमें आपको 108 बोर और 120 का स्ट्रोक देखने को मिल जाएगा। साथ ही इसमें आपको 12 फॉरवर्ड 12 रिवर्स गियर्स मिलते हैं। पीछे में प्लेनेटरी ड्राइव, रोटावेटर स्ट्रॉरी पर चलाने के लिए डबल क्लच, पावर स्टीयरिंग, पीटीओ के सारे ऑप्शंस, ऑयल इमर्स ब्रेक जैसे कई सारे बेहतरीन फीचर्स आइशर 776 में ऑफर किए जाएंगे और इसकी कीमत भी काफी कम होगी बाकी ट्रैक्टर से। तो जब ट्रैक्टर मार्केट में लॉन्च होगा तभी ट्रैक्टर की सारी खूबियां और ट्रैक्टर का डेमो आपको दिया जाएगा। बात करते हैं आगे जेक्टर ट्रैक्टर्स की। जनवरी 2020 में VST शक्ति ट्रैक्टर्स और जेक्टर ट्रैक्टर्स ने समझौता किया है, जिसके जरिए जेक्टर ट्रैक्टर्स जल्द ही इंडिया में अपने ट्रैक्टर्स लॉन्च करने वाली है। जी हाँ, जेक्टर कंपनी लगभग 70 साल पुरानी है और लगभग 136 कंट्रीज में वो एक्सपोर्ट करती है और जेक्टर जल्द ही अपनी 50 से 60 हॉर्स पावर में ट्रैक्टर्स लाने का सोच रही है। जेक्टर के काफी सारे मॉडल्स अवेलेबल है। लगभग 15 HP से लेकर 170 HP तक जेक्टर ट्रैक्टर्स के मॉडल्स अवेलेबल है। तो देखने वाली बात ये होगी कि जेक्टर अपनी कौन से HP की ट्रैक्टर रेंज भारतीय मार्केट में लाता है। तीसरे स्थान पर है कुबोटा ट्रैक्टर्स। कुबोटा ने काफी दिनों से कोई भी नया ट्रैक्टर लॉन्च नहीं किया है और उम्मीद ये की जा रही है कि कुबोटा जल्द ही अपने MU सीरीज में दो और ट्रैक्टर्स लॉन्च करेगी, जिसमें से कुबोटा MU 4902 का रिव्यू हमने पहले ही कर दिया है, तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर वो रिव्यू देख सकते हो। तो वहीं कुबोटा MU 5702 जो लगभग 57 हॉर्स पावर के इंजन क्षमता के साथ आता है, इसमें आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलेगा, 2434 सीसी की ताकत, 2400 RPM, 49 हॉर्स पावर का PTO और 1800 kg का हाइड्रोलिक्स जैसे कई सारे बढ़िया फीचर्स कुबोटा MU 5702 के साथ आपको ऑफर किए जाएंगे। हालांकि इस श्रेणी में पहले ही काफी सारे ट्रैक्टर्स मौजूद है, तो देखने वाली बात यह होगी कि कैसे कुबोटा MU 5702 इन ट्रैक्टर्स को कंपेयर होता है। चौथे स्थान पर आता है HAV ट्रैक्टर्स। जी हाँ, HAV ट्रैक्टर्स का S1 और S2 वेरिएंट जल्द ही लॉन्च होने की संभावना है। S1 वेरिएंट आपको डीजल में मिल जाएगा और S2 वेरिएंट आपको CNG में ऑफर होगा। 50 हॉर्स पावर की ताकत वाले इस ट्रैक्टर में आपको स्मार्ट कंट्रोल्स मिलते हैं, ऑल व्हील स्टीयरिंग, माने चारों ही टायर्स आप स्टीयरिंग के जरिए इस्तेमाल में ले सकते हो। स्मार्ट कंट्रोल यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सभी हाइड्रोलिक कंट्रोल्स आपको इसमें मिल जाएंगे। चारों ही टायर्स में आपको सस्पेंशन देखने को मिलेगा। भारत में लॉन्च होने वाला ये पहला CNG और इस प्रकार का सस्पेंशन देने वाला पहला ट्रैक्टर साबित हो रहा है। तो देखना ये होगा कि ये ट्रैक्टर भारतीय कंडीशंस के अनुसार कैसे परफॉर्मेंस देता है और किस प्राइस रेंज पर ये ऑफर किया जाता है।
पांचवे स्थान पर आता है जॉन डियर 5310। अब आप बोलोगे कि 5310 तो कई सालों से मार्केट में है, लेकिन 5310 में आपको CRDI यानी कॉमन रेल डीजल इंजेक्शन सिस्टम के साथ ऑफर किया जाएगा। CRDI लगने से फ्यूल इंजेक्शन की टाइमिंग, फ्यूल की क्वांटिटी, ऑटोमाइजेशन और फ्यूल का जो स्प्रे है वो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल किया जाता है एक प्रोग्राम के जरिए, जिसकी वजह से ट्रैक्टर में वाइब्रेशंस और हार्शनेस कम होगा, इंजन स्मूथ चलेगा, ऑटोमाइजेशन यानी इंजन में फ्यूल का एक फाइन स्प्रे होगा जिससे इंजन कम डीजल में भी ज्यादा ताकत निकाल पाएगा, और जब जरूरत होगी तो ज्यादा स्प्रे होके इंजन ज्यादा ताकत भी देगा, और जब जरूरत नहीं है तो कम डीजल जाने की वजह से इंजन की बचत भी होगी। तो CRDI पंप लगने से जॉन डियर 5310 की ताकत तो बढ़ेगी लेकिन माइलेज भी बढ़ेगा। तो देखने वाली बात यह होगी कि जब जॉन डियर 5310 CRDI के साथ लॉन्च होगा तो किसान भाइयों के लिए ये कितना फायदेमंद साबित होता है। CRDI लगने से इंजन का मेंटेनेंस तो जरूर बढ़ेगा, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना काफी जरूरी है। लेकिन आधुनिक तकनीक होना काफी महत्वपूर्ण होता है, तो CRDI ट्रैक्टर्स में आना एक बेहतरीन बात है। तो किसान भाइयों, ये 5 ट्रैक्टर्स आपको जल्द ही भारतीय मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में मुझे जरूर बताना, साथ ही लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने किसान भाइयों के साथ जो जल्द ही ट्रैक्टर लेने की सोच रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अभी सब्सक्राइब कीजिए वेस्टेक चैनल को ताकि ट्रैक्टर तथा डेयरी से जुड़े नवनवीन वीडियोस आपको सबसे पहले देखने मिले।